हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज मैं बेक्ड स्वीट पटाटा बनाती हूँ। बहुत ही हेल्दी होती है, माइक्रोवेव में बहुत इजीली बन जाती है ये, और स्वीट पोटैटो बहुत हेल्दी भी होती है, ये सबको पता है। तो चलिए एक सिंपल सा इजी हेल्दी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीट पोटैटो को मैं अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया, उसके बाद टॉवल से अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लिया। अब इसे अप्रॉक्सीमेट 1 इंच का थिकनेस में सर्कुलर शेप में मैं इसे काट रही हूँ। आप चाहो तो इसको लंबाई में भी काट सकते हो, पर लंबाई में काटने से हैंडल करना मुश्किल होती है, इसलिए मैं गोलाई में काट रही हूँ, जो खाने में भी इजी होगा और पूरी प्रोसेस में हैंडल करना भी इसको ईजी होगा। तो सारे स्वीट पोटैटो को मैं इस तरह से सर्कुलर शेप में पहले काट लेती हूँ। अब स्वीट पोटैटो को मुझे मैरिनेट करना है, इसलिए मैं इसको एक बोल पे निकाल रही हूँ। मैं सिंपल सा मैरिनेशन करूँगी, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है, सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर और अपना स्वाद अनुसार नमक। आप चाहो तो यहाँ मिर्च डाल सकते हो, ऑयल डाल सकते हो, कोई और मसाला चाहो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, हर्ब्स भी डाल सकते हो, पर मैं बिल्कुल ही सिंपल वे में इसको बना रही हूँ। ज़्यादा मसाला डालने से मसाला का ही टेस्ट आएगा, स्वीट पोटैटो का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसे आप ढक के मैं 10-15 मिनट मिनिमम रख देती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस करूँगी। 10-15 मिनट हो गया है, अब इसे बेक करना है। तो मैं एक बेकिंग ट्रे ले लिया, स्वीट पोटैटो को और एक बार मिक्स कर लेती हूँ और ट्रे के ऊपर अच्छी तरह से इसे चारों तरफ स्प्रेड कर देती हूँ। इस स्टेज में आप चाहो तो पहले ट्रे को ग्रीस कर सकते हो, या तो अरेंज कर लेने के बाद स्वीट पोटैटो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो, पर मैंने इसको बिल्कुल ही ऑयल फ्री बना रही हूँ, इसलिए मैंने ग्रीस भी नहीं किया, ना ही ऊपर से कोई ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक पड़ी है, उसको भी स्वीट पोटैटो के ऊपर डाल देती हूँ। अब इसे मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स तक, टाइम और कितने टेम्परेचर आपको देना है वो आपका माइक्रो ओवन के ऊपर डिपेंड करता है। एक साथ आप कितना स्वीट पोटैटो बेक कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 10 मिनट इसको बेक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गया है, मेरा स्वीट पोटैटो बेक होके रेडी है, बिल्कुल नरम हो गया है। मेरा चाकू बिल्कुल अंदर तक जा रही है। इसे चाय के साथ गर्मा गर्म खाइए, स्पेशली जिनका कॉन्स्टिपेशन होता है। स्वीट पोटैटो इस तरह से ऑयल फ्री बना के खाइए, बेक करके खाइए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये बहुत ही हेल्दी है, कोई भी खा सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा ऑयल फ्री बेक्ड स्वीट पोटैटो बन के तैयार है। होप आप लोगों को पसंद आई, काम आएगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए, आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ, पसंद आई तो अपना फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।